कुछ ही घंटे में दोस्तों आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा होने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि दोस्तों इस बात को लेकर के दिमाग में भरा हुआ है कि सर हम लोगों का क्या होगा, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से लास्ट तक देखिए। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा शेयर किया जा रहा था ये सभी प्रश्न, वही प्रश्न दोस्तों आपको इस वीडियो में हम लोग करवाएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को तो लास्ट तक देखिएगा ही, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी साथी आपके साथ अगर नहीं पढ़ा हुआ है, यानी कि वो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं जानता है, तो कम से कम दोस्तों वो पास तो कर ही जाएगा, इतना आप गारंटी रखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से दोस्तों। आपके ऑप्शन बी जो है राइट चल जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंडल आयोग की स्थापना कब हुई, तो हमने आपको कई बार करवाया कि 1979 में हुई थी। ये चीज आपको पता है जनता पार्टी के द्वारा हुई थी, क्योंकि जनता पार्टी जो है 1977 में इलेक्शन को जीता था। ठीक है, तो 1977 में जनता पार्टी इलेक्शन को जीता था, उसके बाद 1979 में जो है उन्होंने मंडल आयोग की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य दोस्तों वो हो जाएगा बिहार। तो राइट साइड का ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन पर। लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया, इसकी जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है श्रीलंका। लिट्टे जो कि दोस्तों राजीव गांधी की हत्या किए थे, तो ये जो लिट्टे संगठन है वो किस देश का आतंकवादी संगठन है, वो दोस्तों आपके श्रीलंका हो जाएंगे। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थ्री, फटाफट आप लोगों से देते हुए चले। गठबंधन की सरकार होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है? गठबंधन की सरकार होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है? राष्ट्रपति की दुर्बल स्थिति, प्रधानमंत्री की सबल स्थिति, सामूहिक उत्तरायित्व की अवहेलना, या फिर क्षेत्रीय दलों का उत्कर्ष। बिल्कुल दोस्तों हट की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे सामूहिक उत्तरादायित्व की अवहेलना। तो ऑप्शन सी आपके राइट जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फोर, नीति आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? फटाफट आप लोग बताइएगा ये जो नीति आयोग की स्थापना है वो कब की गई थी। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रखिएगा नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नीति आयोग को जो है और एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, उसी को हम लोग नीति आयोग बोलते हैं, और इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? हमने आपको क्वेश्चन कई बार करवाया है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कि नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे नई दिल्ली में। तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन आंसर करने की भावना में खो जाते हैं, फिर आप लोग लाइक करने से भूल जाते हैं, तो प्लीज आप लोग लाइक कर देंगे और एक बार जमकर के शेयर भी कर देंगे ताकि वो भी क्लास में जुड़ पाए, वो भी इस वीडियो को देख पाए। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहां आयोजित की गई थी? बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे नई दिल्ली। ऑप्शन आपके इस का राइट आंसर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 7, बाडुंग सम्मेलन कब हुआ था? आपको पता है ये सम्मेलन जो है बाडुंग नामक जगह पर हुआ था, इसीलिए इसको बाडुंग सम्मेलन बोला जाता है। तो बताएंगे ये कब हुआ था, 54 में 59 में 56 में या फिर 62 में? बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 1956 में। बिल्कुल 7 की राइट आंसर बिल्कुल आपको 1956 हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा 1956 में। ठीक है, तो बाडुंग सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, 1956 में हुआ था। राइट आंसर यहां पर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा सा उलट फिर है, ये ध्यान रखिएगा कब, 1956 में। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नेहरू युग जो है वो कब से कब तक माना जाता है? तो आपको पता है भारत में नेहरू युग जो है वो 1947 यानी कि जब भारत की आजादी हुई 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1964 तक, जब जो है नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर 8 का जो यहाँ पर बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। और जस्ट 1964 की बात कौन प्रधानमंत्री बने थे? बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है वो 1966 ईस्वी में हो गई थी, और इसके बाद जो है इंदिरा गांधी तीसरे प्रधानमंत्री बने थे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 9, 1989 में किसने राष्ट्रीय मांझा सरकार का नेतृत्व किया? वीपी सिंह ने यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, इंदिरा गांधी ने, देवालाल ने, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 9 की जो राइट आंसर है वो आपको देंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। तो 1989 में किसने राष्ट्रीय मांझा सरकार का जो है नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वो जो है वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपके 10, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग जो है 2009 से लेकर के 2021 तक पूरा आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे पॉलिटिकल साइंस का, जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का कर चुके हैं। अगर आपका वो सब्जेक्ट है तो जरूर जाके देखिए, और पॉलिटिकल का भी हम लोग बहुत जल्द करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। अब देखिए चीन में साम्यवादी शासन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1950 में 50 में 54 में 62 में। बिल्कुल 10 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे वो 1950 में। ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 11, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवा रखा है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको देंगे प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग पूछ दे, नीति आयोग पूछ दे, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 12, मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया? मंडल आयोग की बात हो रही है यहां पर, यानी कि मंडल आयोग की, मंडल आयोग अगर पूछ दिया जाए सिर्फ आपको बोले कि मंडल आयोग, तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि आपको लगाना 1979 अगर आपको सिर्फ मंडल आयोग पूछे। लेकिन अगर पूछे कि मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया, तब जो इसके यहां पर आंसर लगाना है बिल्कुल आपको लगाना है वो 1990।
ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, राइट आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13, जनता दल का चुनाव चिन्ह जो है क्या था, जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या था पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये भी प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया, प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिएगा, जनता दल की बात हो रही है ना कि जनता दल यूनाइटेड। देखिए एक आपके जेडीयू पार्टी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक आपके आरजेडी पार्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं राष्ट्रीय जनता, सॉरी आरजेडी, ये डी आपका, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, और इसको क्या बोलते हैं जनता दल यूनाइटेड। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जनता दल, सिर्फ जनता दल। तो दोस्तों जनता दल का जो चिन्ह है वो आपका चक्र है, जनता दल का जो चिन्ह है वो क्या है चक्र है, और लालटेन जो है वो दोस्तों वो आरजेडी का चिन्ह है, और जो आपका तीज है वो है वो जेडीयू का चिन्ह, ठीक है। अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी जो सबसे बड़ी है वो कौन है, आरजेडी है, 2015 में यही पार्टी बड़ी थी और 2020 में भी यही पार्टी बड़ी है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया, ये सभी चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय संघ के जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे, जोसेफ स्टालिन थे, निकिता खुशदेव थे, निकोलिया बुलगानी थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं थे। हमने आपको एक क्वेश्चन करवा रखा, बिल्कुल इसके जो राइट आंसर वो आपको देंगे निकिता खुशदेव, ठीक है। तो क्यूबा के मिसाइल संकट के समय जो है उस समय जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों संघ के वो कौन थे, निकिता खुशदेव थे, राइट आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, मार्शल योजना क्या थी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मार्शल योजना के बारे में तो हमने आपको कई बार बताया, मार्शल योजना जो है वो यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। तो बिल्कुल आपके 15 की जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। इसी तरीके से आप लोगों को फटाफट आंसर लगाना, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, नाटो जो संबंधित है वो कौन सा विकल्प सही है नाटो से संबंधित, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, या फिर उत्तरी अमेरिका आतंक निरोधक संगठन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल 16 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ऑप्शन भी, ठीक है। तो नाटो से जो संबंधित कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा दोस्तों, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ऑप्शन भी आपके 16 का राइट आंसर होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 17, किस देश के पर्वतों से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे कौन सा देश के पर्वतों से एक ध्रुवीयता कायम हुआ, फटाफट आंसर दीजिएगा, ए बी सी, अच्छा डी ऑप्शन यहां पर गायब है, लेकिन आंसर आप लोगों को सही लगाना है, बहुत डी में देखिए आपका अमेरिका होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा, किस देश के पर्वतों से एक ध्रुवीयता कायम हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर डी आपका ऑप्शन गायब है, डी में जो है आपका अमेरिका होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 1991 में जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो उस समय जो है सोवियत संघ भी खत्म हो गया, और जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो उसके बाद जो है अमेरिका का पर्वत दबदबा जो है बढ़ गया, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। क्यूबा संकट के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए 2012 में 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्यूबा संकट जो है किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, 60 में, 61 में, 62 में, 63 में, बहुत बढ़िया। इसकी जो राइट आंसर बिल्कुल आपको देंगे वो 1962 में, ध्यान रखिएगा क्यूबा जो संकट है वो 1962 में उत्पन्न होता, राइट सर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, सोवियत संघ का विघटन कब हुई थी, सोवियत संघ का विघटन यानी कि सोवियत संघ कब खत्म हुआ था पूर्ण रूप से, तो हम लोग अभी आपको बताया कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ था, कब हुआ था 1991 में, ठीक है। तो जस्ट 19 का राइट आंसर आपके हो जाएंगे 1991 में, ऑप्शन भी, क्योंकि सोवियत संघ का जब शीत युद्ध का जब खत्म हुआ उसी समय जो है सोवियत संघ भी खत्म हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, सोवियत संघ की स्थापना जो है किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, या फिर मजदूर क्रांति, या फिर कोणी क्रांति। तो सोवियत संघ की जो स्थापना है वो किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी, बिल्कुल 20 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे बोल्शेविक क्रांति, ऑप्शन आपके 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया था, कब अपने अपना रिजिग्नेशन लेटर दिया था, रिजाइन किया था, सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना इस्तीफा दिया था, दिसंबर 1991 में, जनवरी 1990 में, जून 1989 में, फिर मार्च 1988 में, बहुत बढ़िया। 21 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दिसंबर 1991 में, ध्यान रखिएगा 21 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 22, अमेरिका ने आशिक परमाणु परीक्षण संधि, क्या नाम है, आशिक परमाणु परीक्षण सांध, जिसको बोलते हैं लोग पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पर जो है कब हस्ताक्षर किया था, 1964 में, 74 में, 92 में, या फिर 2000 में। बिल्कुल दोस्तों 22 के जो यहां पर राइट आंसर आपको जाएगा वो है 1964 में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा जो है अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनुसंधान और विकास के मदद में खर्च करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन। तो फटाफट आप लोग आंसर लगाना, बिल्कुल 23 की जो राइट आंसर वो आपको देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। वैसे तो अभी चीन भी बहुत आगे हो गया, लेकिन क्योंकि आपका सिलेबस अपडेट नहीं हुआ तो आपको राइट आंसर क्या लगाना, यूएसए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपके 21 का राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, विश्व का इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है, बताएंगे विश्व की इंटरनेट की जो सुविधा है वो किस राज्य की देन है, फ्रांस, चीन, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर रूस। बिल्कुल दोस्तों 24 की जो है राइट आंसर आपको जाएंगे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तो विश्व को इंटरनेट की जो सुविधा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण एक प्रकार का है, देन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य जो है क्या बताया जाता है, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या बताया जाता है, महाशक्ति के दौर में शामिल होना, चीन एवं पाकिस्तान पर दबाव बनाना, संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बनाना, अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। बिल्कुल दोस्तों 25 की जो है राइट आंसर आपको जाएगा वह अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना, ऑप्शन डी, ठीक है। तो भारत में परमाणु कार्यक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वो होता है अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना, ऑप्शन डी आपके 25 का राइट आंसर आएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, यूरोप
निम्नलिखित में से सॉरी यूरो जो है निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है, हमने आपको ये बुक क्वेश्चन कई बार करवा रखा है, इसको जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वह यूरोपीय संघ की मुद्रा ऑप्शन सी, ठीक है। तो यूरोप जो है दोस्तों वो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य जो है कब बना था, अफगानिस्तान जो है वो सार्क का सदस्य कब बना था, 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बिल्कुल 27 की जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2005 में, ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान जो सार्क का सदस्य बना था वो 2005 में बना था, राइट आंसर 27 की जो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन आपको जाएंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए भारत तथा चीन के बीच महत्वपूर्ण घटना है, क्या क्या घटना हुई थी, तो सबसे पहले 1950 में चीन ने भारत के क्षेत्र तिब्बत पर कब्जा कर लिया तथा वहां बस्तियां बसाना शुरू कर लिया, तो ठीक है कहां पर तिब्बत पर जो है कब्जा कर लिया, कौन चीन, कब, 1950 में चीन ने भारत के क्षेत्र जिसका नाम था तिब्बत उस पर कब्जा कर लिया तथा वहां जो है बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। दूसरा, चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाका तथा लद्दाख की अक्साई चीन पर अपना अधिकार जमाने के चलते 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, ठीक है, हालांकि इसमें भारत को जो है पीछे हटना पड़ा। तो आपको पता है कभी कभी अरुणाचल प्रदेश और कभी कभी अक्साई चीन जिसको हम लोग बोलते हैं वहां पर जो हमेशा विवाद चलते रहता है चीन और भारत के बीच, जैसे कि आप सबको पता है, ठीक है। तीसरा, क्या 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गए, 1976 तक दोनों देशों के बीच क्या हो गया, कूटनीतिक जो संबंध था दोस्तों रिलेशन वो समाप्त हो गया। 1970 के दशक के बाद चीन के रूप में परिवर्तन आया, चीन के रूप में क्या आया, बदलाव आया, कब, 1970 के बाद, ठीक है। अब 1981 में दोनों देशों के मध्य बातचीत शुरू हुई तथा सीमा विवाद को लेकर बहस हुआ, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई, ये 5 पॉइंट आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, वर्तमान में तिब्बत है भारत का हिस्सा, चीन का हिस्सा, एक स्वतंत्र प्रदेश या फिर बफर राज, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका। इसके जो राइट सर आप जाएंगे वर्तमान जो तिब्बत है दोस्तों वो आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल 28 की जो राइट सर वो आपको देंगे बफर राज्य, ठीक है। तो वर्तमान जो तिब्बत है वो बफर राज्य है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 29, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29 आपके स्क्रीन पर, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने आपको करवाया कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जिसको हम लोग बोलते हैं लिट्टे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, लिबरेशन टाइगर्स या फिर बल देना, तो राइट सर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच विवाद का क्या कारण है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है एक समझौता हुआ जिसका नाम है फरक्का समझौता, लेकिन एक विवाद है, इस विवाद के क्या क्या कारण है, तो समझिए इन दोनों देशों के बीच ब्रह्मपुत्र तथा गंगा जल की हिस्सेदारी को लेकर के अभी भी विवाद खड़ा है। बांग्लादेश से अवैध अप्रवास से भारत सरकार बांग्लादेश से नाराज है, यानी कि बांग्लादेश से जो अवैध अप्रवास है तो उससे क्या भारत सरकार जो है इस बात से बांग्लादेश से नाराज है, और भारत विरोधी इस्लामी जमातों का बांग्लादेश समर्थन करते हैं, भारत विरोधी जो है इस्लामी जो है वो क्या करता है जमातों का बांग्लादेश क्या करता है समर्थन करता है, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए बांग्लादेश रास्ता नहीं देता है, पूर्वोत्तर भारत मतलब उधर ही यानी कि सेवन सिस्टर स्टेट जो है यानी कि 7 बहने जो राज्य है, ठीक है, बांग्लादेश से होकर भारत को म्यांमार तक प्राकृतिक गैस निर्यात करने नहीं दिया जाता है, तो ये सभी विवाद के कारण है। अब देखिए दोस्ती यानी कि अच्छे संबंध के संकेत क्या क्या है, तो सबसे पहला भारत द्वारा अपनाई गई लुक ईस्ट जो कि 2014 में एक्ट ईस्ट नीति पर बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा है, ठीक है, 2014 में एक्ट ईस्ट नीति पर जो है बांग्लादेश क्या भारत के साथ खड़ा है, और 2015 में दोनों देशों ने अपने बीच कुछ परिक्षेत्रों जिसको हम लोग बोलते हैं एनक्लेव का जो है आदान प्रदान भी किया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगला प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी है, हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवा रखा है, फटाफट आप लोग दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो अंगों की संख्या दोस्तों वो कितनी है, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल 31 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 6, ऑप्शन बी आपके राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, 1945 में, 47 में, 50 में, 52 में, बिल्कुल 32 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1945 में। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य है दोस्तों वो 1945 में ही बना था, राइट आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे, जस्ट 1-2 महीने के बाद ही बन गया था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है कितनी है, तो यहाँ पर अस्थायी पूछ रहा है, ठीक है, अस्थायी अस्थायी, तो अस्थायी जो टोटल कितना है, अस्थायी टोटल 10 है और जो अस्थायी है वो 5 है, तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए, ठीक है। पूछा जाएगा उसके नाम क्या क्या है, तो हम लोग जानते हैं अमेरिका है, एक रूस है, एक फ्रांस है और एक ब्रिटेन है और एक चीन है, ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे क्वेश्चन 33 का। देखिए अगला प्रश्न 34, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 111, 112, 115, 120, बिल्कुल 34 की जो राइट आंसर है वो आपको देंगे 111, तो संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर में टोटल 111 क्या दोस्तों धाराएं हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, CTBT प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब स्वीकार किया गया था, CTBT जो प्रस्ताव दोस्तों वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 1995 में, 96 में, 97 में, 98 में, बिल्कुल 35 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1996 में, ठीक है, ऑप्शन बी आपके राइट आएंगे क्वेश्चन 35 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, क्योटो में, रियो डी जेनेरियो में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, बिल्कुल दोस्तों 36 की जो राइट आंसर आपको जाएंगे वह रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसी को जो है रियो सम्मेलन भी बोला जाता है, जैसे कि आपको पता है ये रियो कहां पर है, ब्राजील में, ठीक है, तो ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम क्या है रियो, इसीलिए दोस्तों इसको रियो सम्मेलन भी बोला जाता है और जेनेरियो सम्मेलन भी बोला जाता है और पृथ्वी सम्मेलन तो बोला जाता ही है। तो कब हुआ था, 1992 में हुआ था, किस
साइड में हुआ था दोस्तों, रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील का एक शहर है। तो राइट साइड आपके 36 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है, आय के साथ, व्यय के साथ, या फिर आय और व्यय दोनों के साथ, या फिर इनमें किसी के साथ नहीं। देखो 37 की जो राइट साइड है वो आपको जाएंगे आय और व्यय दोनों के साथ। तो बजट का जो संबंध है वो किस पक्ष के साथ है, वो आय और व्यय के साथ है। ऑप्शन सी आपके 37 का राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कितना है, 5, 4, 6, कोई सीमा नहीं है। तो भारत में जो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो कितने वर्ष का होता है, 38 की जो आप राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल दोस्तों आपको जाएंगे वो 5 वर्ष का, ठीक है। तो भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, नवोदित क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला जो कार्य होता है वो क्या होता है, गरीबी को दूर करना, राष्ट्र निर्माण करना, दुश्मनों देशों से युद्ध करना, दुश्मन देशों से, या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना, फिर 39 की जो आप राइट आंसर आपको जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्र निर्माण करना, ठीक है। तो नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला जो कार्य होता है, जो पहला वर्क होता है, जो पहला काम होता है वो होता है राष्ट्र निर्माण करना। ऑप्शन भी आपके 39 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था, संसद भवन में, लाल किले पर, जंतर मंतर में, संविधान सभा में। काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इसका आंसर आपको देंगे वो है लाल किले पर, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो है कब शपथ लिए, मतलब शपथ जो लेते दोस्तों कौन से स्थान पर लेते, लाल किले पर लेते। 40 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41, एक दलीय प्रभुत्व के संबंधों में कौन सा यहाँ पर कथन सही है, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र की औपनिवेशिक अधीन से, एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। 41 की जो आप राइट आंसर आपको जाएगा, बिल्कुल आपको जाएगा वो है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ऑप्शन आपके 41 का करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 42, 1960 में केरल में साम्यवादी सरकार की मुख्यमंत्री कौन थे, फटाफट आप लोग बताइएगा। 1960 में केरल में जो है साम्यवादी सरकार थी, तो बताएंगे वहां के मुख्यमंत्री कौन थे, ईएमएस नंबुद्रीपाद, या फिर एन जी रंगा, या फिर एन के गोपालन, या फिर इनमें से कोई नहीं। 42 के जो आप राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपको जाएंगे ईएमएस नंबुद्रीपाद, ऑप्शन आपके 42 का करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 43, साम्यवादी दल की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, 1924 में, 1948 में, 51 में, 61 में। तो साम्यवादी दल की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी, बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको 1924 में। 43 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति करना, पूंजीवाद की समाप्ति, और उपरोक्त सभी। 44 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपके 44 का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 45, भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्वेश्चन पूछा गया है, काफी शानदार और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। भारतीय जनसंघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योगों का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, या फिर मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा। बिल्कुल दोस्तों 45 की जो राइट से आपको जाएंगे वो है दोस्तों हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, ऑप्शन ए आपके 45 का करेक्ट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 46, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कब हुआ था, 2015 के नोल एग्जाम में 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1950 में, 55 में, 52 में, 1956 में। बिल्कुल 46 की यहां पर राइट आंसर आपको जाएगा वो है दोस्तों 1952 में, ध्यान रखिएगा 1952 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है 1952 करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में। 46 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 47, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, मंत्रिमंडल के मंत्री, उपायुक्त सभी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, इसकी जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है दोस्तों उपायुक्त सभी, ठीक है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी, और योजना आयोग के सदस्य, और मंत्रिमंडल के मंत्री, ये सभी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर 47 के आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 48, 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की जो स्थापना है किसकी अध्यक्षता में की गई थी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरय दलाल, या फिर उपायुक्त में से कोई नहीं। तो 1938 में राष्ट्रीय आयोजन की जो समिति की स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी, बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर आपको जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आपके 48 का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 49, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ, मक्का में, दलहन में, चावल में, गेहूं, चावल में, गेहूं में। बिल्कुल 49 की जो राइट आंसर है आपके हो जाएंगे वो है गेहूं में। तो हरित क्रांति की जो सबसे ज्यादा लाभ है दोस्तों निम्न में से गेहूं में हुआ था, राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन 49 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 50, फरक्का गंगाजल बंटवारा जो है विशेष समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो मैंने आपको कई बार करवाया जो फरक्का समझौता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे।